सब लोग बहुत अच्छे हो। ये देखो मेरा ऑफिस का नीचे वाला बिल्डिंग, मैं नीचे ही खड़ी हूँ। मैं एक्चुअली ना आज मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो हमें कुछ सामान लेना है मार्केट में, शॉपिंग करनी है घर के लिए, तो हम उसका वेट कर रहे हैं कि एक बार वो आ जाए तो हम सामान लेने के लिए जाएंगे। तो मैं नीचे खड़े होकर उसका वेट कर रही हूँ, और मैं आज आप लोगों को इंदौर का मार्केट दिखाऊंगी, जहाँ से जनरली मैं शॉपिंग करती हूँ। तो चलो आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं रेडी खड़ी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो मैं जाऊँगी। तो अभी तक वो आई नहीं, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आएगी मैं वैसे ही जाऊँगी। अभी तक पता नहीं कहाँ है, वो फोन लगा रही है, मैं उसको फोन लगा के पता करती हूँ कि वो कहाँ पर है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी सामने एक्टिवा पर बैठी हुई है। ये रोड के नहीं, बिल्डिंग के इस साइड आई थी और मुझे बोलती कि मैं उस साइड हूँ तो आप यहाँ आ जाओ। और फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पर और अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं। पता आप लोग को, इंदौर में मैं बहुत टाइम बाद गाड़ी पर घूम रही हूँ। आप लोग इमेजिन नहीं करोगे मैं कितने दिनों बाद बाइक पर घूम रही हूँ। और एज़ यूजुअल इंदौर का ट्रैफिक, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो अभी फर्स्ट रन में हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे डाउटफुल है। फाइनली हम लोगों ने सिग्नल क्रॉस कर दिया। इंदौर का ट्रैफिक यानी मतलब मानोगे नहीं आपको, मतलब 15-15 20-20 मिनट भी कभी कभी खड़ा रहना पड़ जाता है। बस ये हम लोग जा रहे हैं और देखिए मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मैं शूट कर रही हूँ ना तो मैं दिख रही हूँ कांच में। अरे फाइनली हम लोग हमारी शॉप पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमको सामान लेना है। मतलब हम कर्टन्स वगैरह लेंगे, पिलो वगैरह जो हमको लेना है, बेडशीट्स वगैरह, तो हम उसी के लिए आए हुए हैं। तो अब हम लोग वो चेक करेंगे। मैं दुकान देख रही हूँ कि कौन सी वाली दुकान से देखें अपन लोग। हम लोगों ने यहाँ से पहले भी शॉपिंग की हुई थी तो बिट्टू बोल रही थी कि दीदी अपन यहीं पे देख लेते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं अपन 2-3 दुकान देख लेते हैं पहले, फिर लेते हैं सामान। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे एक दुकान में जाकर मैंने चीज़ें देखी कैसी क्या है। और ये पता आप लोगों को, इसमें मैं पिलो देख रही थी, बहुत सॉफ्ट पिलो थे और रेंज वाइज भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर पता आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 350 में मुझे 5 पिलो मिल गए हैं और ये 250 में 2 पिलो, बेड वाले जो होते हैं ना, ये 2 पिलो भी मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। अब मैं फाइनली जा रही हूँ कवर देखने के लिए, पिलो के लिए, बेडशीट देखने के लिए। तो ये भी है, तो महारानी इतना थक गई थी कि बैठ गई आकर। अभी देखो मुझे भैया एक एक दो दो करके दिखा रहे हैं, इसमें से मैं पसंद करूँगी अपने लिए ये मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। बट मुझे पता है इनमें से एक भी अच्छा नहीं लगा था, पर लास्ट में मैंने बोला भैया मैं खुद जाके निकाल के लाऊं क्या, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है देख लो। ये देखिए हमने जो खुलवाया था, ओपन करवाया, ये वो वाला था जो कि हमको अच्छा लगा था, हमने फाइनली ले लिया। ये देखिए भैया, ऐसे मैंने वो बताया ना आप लोगों को, जैसे कि भैया आप नहीं अच्छे से निकाल रहे, मुझे खुद बताओ तो मैं खुद निकालूंगी। तो मैं खुद जाके दुकान के अंदर बैठ के खुद निकाले थे जो मुझे अच्छा लग रहा था वो। और ये हम लोगों ने पूरी शॉपिंग कर ली थी, उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे। ये देखिए मेरे हाथ में कितना सारा सामान है, आगे भी रखा हुआ है बहुत सारा सामान, डिक्की के अंदर भी डाल दिया। हम लोग घर जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत थक गए, हम लोग बहुत देर से निकले हुए थे। अब को खाना भी खाना है, अभी हम लोग खाना तो आज हम खैर बाहर खाने जाएंगे, तो इंदौर में तो थोड़ा बाहर का तो चलता ही ये खाना बनता है। देखिए बहुत नाइट हो गई थी और हम जिस रूट से जा रहे थे ना, थैंक गॉड उस पर ट्रैफिक कम ही था अभी, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे जाने में। तो फिलहाल तो ट्रैफिक कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं। और ये पता है ये कौन सा जगह है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये भंवर कुआं स्क्वायर, ये स्टूडेंट एरिया कहलाता है ये। और ये देखिए यहाँ पर ना एक छोटा सा जो शॉप था वो आया था, तो मुझे यहाँ पे ना कुछ घर के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन प्लेट्स देखनी थी, तो मैं वो देखने की भी आ गई थी। और मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी घर के लिए, सामान के लिए, जैसे ग्लास वगैरह, कप वगैरह, तो मैं उनको भी ले रही थी। पता है यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और वो बहुत मतलब तो चलाने के ऊपर रहता है, लॉन्ग टाइम कितना चलाओगे अब चीनी मिट्टी, तो फिर फूट भी जाते हैं। और पता है इनमें से ये प्लेट जो मैं देख रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसमें से सिर्फ 2 ली हुई हैं, बस मैंने 2 ही ली थी और ज़्यादा नहीं ली मैंने। और यहाँ पर भी बताइए जो रखे हुए ना बॉक्सेस वगैरह, ये मैंने इनमें से भी देखे थे, ये बहुत रीजनेबल थे। पता 99 में 3 PR मुझे मिल रहे थे और क्या चाहिए था उसमें से। और ये अंकल जी थे जो कि हमको सामान दिखा रहे थे, और ये अंकल जी पता बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, आप लोग मानोगे नहीं, ये ITI के बंदे थे, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की है, बट अब उनको यहाँ पे इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए वो यहाँ जॉब कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतने हाई क्वालिफाइड है और यहाँ पर सामान दिखा रहे हैं, और यहाँ उनकी सैलरी पता 4,000, मैंने तो पूछ ही लिया आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि 4,000 ही सैलरी है।
कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर बुरा लगता है यार, मुझे बुरा लग रहा था, बट मैं उनका कल नंबर तो मैंने अपना दे दिया था कि कभी कुछ मेरे पास जॉब वैकेंसी होगी तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन लगा देना। बाय, गुड नाइट, लव यू, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।